बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं नसीन अख्तर अपने चैनल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरी आज की वीडियो जिस टॉपिक पर है वो है टॉप 5 हॉरिबल प्लेसेस इन द वर्ल्ड, द कैपाचाइन कैटाकॉम्ब्स इटली। इटली में एक ऐसा हाल मौजूद है जो पुरसरार तौर पर है और यहाँ 8,000 लोगों के बाकियात बड़े बड़े ताबूतों में रखे गए हैं। इन लोगों का ताल्लुक गालबन 18वीं और 19वीं सदी से है। एक फ्रांसीसी मुसन्निफ लिखता है कि इन ताबूतों को देखकर ऐसा लगता है कि ये अभी बोलने लगेंगे, लेकिन ऐसा हरगिज भी नहीं है। इनको देखकर बेहद खौफ महसूस होता है। द विजो रुकेनक स्कल्पचर पार्क, इन मुजस्मों से भरे पार्क को एक फिनिश आर्ट्स विजो रुकेन ने अपनी तख्लीकी सलाहितों से डिज़ाइन किया था। ये इन लोगों के मुजस्मे हैं जो शर्मीली तबीयत के लोग थे। ये मुजस्मा खुद अपने हाथों से बनाए गए हैं। इन पुरसरार स्ट्रक्चर्स में लंबे लंबे हाथ और इनकी फैली हुई स्याह आँखें और बड़े बड़े सर और शैतानी मुस्कुराटें नज़र आती हैं। कमज़ोर अफराद तो यहाँ जाने से गुरेज करें। द हैंगिंग कोफन्स स्काडा, फिलिपाइन में स्काडा में एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानों के मरने के बाद इनकी लाशों को ना तो जलाया जाता है ना दफनाया जाता है, बल्कि ताबूतों में बंद करके पहाड़ों पर लटका दिया जाता है। कहा जाता है कि जिस शख्स का ताबूत जितना ज़्यादा बुलंदी पर होता है वो उतना ही जन्नत के करीब होता है। पहाड़ के नज़दीक लटकते हज़ारों ताबूत एक ख़तरनाक मंजर पेश करते हैं। व्यूवर्स, यहाँ जाने से तो ग्रेज़ी किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मिलिटीज हाई स्टेंटन मिलिट्री हॉस्पिटल इन जर्मनी, जर्मनी में वाकया ये अस्पताल हज़ार सालों से बंद पड़ा हुआ है। किसी भी हॉरिबल मूवी में दिखाए जाने वाले हस्पतालों की तरह ये भी बहुत ज़्यादा हॉरिबल हस्पताल है। दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाला ये हस्पताल दरअसल कई दौर से ट्यूबरक्लोसिस सेंटोरियम था। खुद एडॉल्फ हिटलर भी इस हस्पताल का मरीज रह चुका है। कहा जाता है कि इसके कुछ कमरों को असाबी मरीजों की बहाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अस्पताल का बकिया हिस्सा वीरान पड़ा हुआ है। यह सब इस अस्पताल के बारे में कहा जाता है कि ये जिन्नात और असाबी चीज़ों की अमागाह है। द स्मोकिंग गोस्ट टाउन ऑफ सेंट्रेलिया यूएसए, अमेरिका में 1962 तक ये शहर बसा बसाया हुआ था, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ मालूम नहीं था कि यहाँ पर कोयले की कान भी है। जहाँ आग लग गई तो सारा शहर वीरान हो गया और खस्ता हाल सड़कें, तबाह हाल इमारतें और बहुत से ख़तरनाक मनाजर इस जगह को बहुत ज़्यादा हॉरिबल लुक देती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल शहर नज़र आता है। व्यूवर्स, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।